जरूरी काम नहीं हो तब तक अपने घरों से नहीं निकलेंगे और मास्क हमेशा पहनेंगे और आपको डबल लेवल का मास्क पहनना है तो मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे और सैनिटाइजर बना रखेंगे और आवश्यक घरों से नहीं निकलेंगे। अगर एक व्यक्ति कोरोना होता है तो अभी ये देखा जा रहा है पूरे घर परिवार में सभी कोरोना हो जाता है तो आप अपने परिवार के लिए और अपनी सुरक्षा पर लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है तो लोगों को संवेदनशीलता फैलाने के लिए और लॉकडाउन का इन्फोर्समेंट हो इसके लिए हम लोग आज रोड पे हैं। एसपी साहब भी हमारे साथ में हैं। थैंक यू सर। जी सर, सासाराम में लॉकडाउन कितना सख्ती से पालन कराया जा रहा है सर? राज्य सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया है कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए उसका पूरी सख्ती से लागू कराया जा रहा है। खास करके जो शहरी क्षेत्र है जहाँ पे भीड़ भाड़ अधिक होती है वहाँ पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ज्वाइंट ऑर्डर के माध्यम से सभी जगह पे मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और बल प्रतिनियुक्त किए गए हैं और वरीय पदाधिकारी भी लगातार भ्रमणशील रह करके उसको सुनिश्चित करा रहे हैं। सभी आम लोगों से मेरी अपील है कि यह जो लॉकडाउन लगाया गया है और जो कोरोना से सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है और पूरे समाज की सुरक्षा के लिए है तो आपसे विनम्र अपील है कि उसका पालन करें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर सब्जी मंडियों का स्थानांतरण करने के लिए आपके द्वारा पत्र लिखा गया है सर? बिल्कुल सब्जी मंडी में शिकायत मिली कि ज़्यादा वहाँ पे भीड़ रहती है और मछली मंडी की भी तो यहाँ पे बात हो रही है। जो यहाँ पे रेलवे का ग्राउंड, रेलवे का कुछ स्थल है उसमें बात हो रही है उसको वहाँ पे चेक करा दें।